हाय दोस्तों, सब्सक्राइब करें ब्रदर सिस्टर रिएक्शन चैनल को और बेल को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मेरा नाम है कुशल और मैं शिल्पी। आज हम रिएक्ट करेंगे बीबी की वाइंस के ऊपर। ये दिवाली वीडियो है और जिसका टाइटल है दिवाली के दिवाला। बहुत सारे लोग होते हैं जो कमा नहीं पाते तो लोगों से पैसे लेके दिवाली पे दिवाला दे देते हैं। हेलो आहूजा आंटी। हाँ जी आंटी, बोल बात कर रहा हूँ। आपका छोटा लड़का पागल तो नहीं है? उसे पापा के कान के पास ऐसा पटाखा फोड़ा वो बहरे हुए। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा? पेड़ा खाता लूंगा लेकिन दिवाली चली गई। मैं छत से देख रहा था, उसने बम जला के दूसरी मंजिल से नीचे फेंका, वो सीधा पापा के कान के पास आके बैठा। आप उसको बचाइए मत, उसने सबकी नाक में दम किया हुआ है, अब पापा का कान कैसे ठीक होगा? हेलो हेलो बेटा, इन्हें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, कचौड़ी खा लेंगे। लेकिन भूल बेटा, एक बात और करने वाली है। इस साल दिवाली पे बहुत शांति थी, ना पटाखों का शोर और ना लोगों के बात करने तक की आवाज नहीं। अभी भी देखी थी शांति है क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा। कल बहुत शोर था। शोर था कहाँ से? घुसा कुछ लेके तो नहीं गया? ये आदमी बहरा हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे सुन रहे हो? मैं टीटू मामा से बात कर लेता हूँ। लेटा हूँ, तू तो खड़ा है। आप मेरे होठ पढ़ रहे हो। जोर से नहीं बोलेगा तो होठ ही पढ़ने पड़ेंगे। उभर गया। अरे चुप, अंकल के सामने मत बोल। बोल लो भाई, उनको कुछ सुनाई नहीं देता। किसी बेवकूफ लड़के ने उनके कान के पास पटाखा फोड़ दिया, सुन नहीं सकते। आवाज आ रही है, क्या कह रहा है? जोर से बोल। तमीज से कमीज तो अच्छी है दोनों की। इनको तो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। इनको तो ये भी सुनाई नहीं देगा कि तू कल तीन पत्ती में होंठ पढ़ लेते हैं। इनको तो ये भी सुनाई नहीं देगा। पता भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी। पापा मेरी इस महीने की पॉकेट मनी दे दो ना। पॉकेट मनी? करी तो दिए थे 2000 रुपए, कहाँ उड़ा दिए? अगर तीन पत्ती में हार गया, हाई कार्ड पे खेल रहा था, अगले की पास थी ट्रेल, 500 रुपए लगा के गोटे होके फेल। अरे गुड्डू, मैं आपको सुनना ही नहीं है। उस दिन वो बहुत चौड़ा हो रहा था, उसको उसके औकात बतानी जरूरी है। अब पीठ पीछे बहुत चौड़ा होता है जो असल जिंदगी में कुबड़ा हो। ना 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 ना, कमेंटा विच गाल नहीं कटेंगी। फेसबुक पे गाली देके क्या सुधर जाएगा वो? नहीं 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 नहीं, मुझे उसकी अपोलॉजी और घर के कागज चाहिए अगले 24 घंटे के अंदर अंदर। क्या चाहिए? अपॉलॉजी और करके कागज। क्या बताऊं भांजे, ये वसूली के धंधे में काफी धोखेबाजी हो रही है। लगता है बहुत बिजी हो आज। जीजा जी आप यहाँ खड़े हो, कुछ बोले नहीं भाई? तुमने बताया क्यों नहीं? अरे कुछ, मैं बैंक में धोखेबाजी की बात कर रहा था, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। धीरे बोलो यार, तुम्हारे होंठ देख रहा हूँ। क्या मतलब? होंठ तुम्हारे, आज वही देख के काम चलाऊंगा। इधर इधर देख के बात करो, अपने होंठ दिखाओ। क्या हो गया जीजा जी को? बहरे हो गए क्या? किसी पागल ने इनके कान के पास पटाखा फोड़ दिया तो अब सुन नहीं पा रहे लेकिन होंठ पड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे तो उस दिन कुछ म्यूचुअल फंड का बता रहा था परसों, अब बात अधूरी रह गई। पर जीजा जी, तीन चीजों को कभी छोटा मत समझो, दिल्ली की ठंड, म्यूचुअल फंड, सोया। सोया क्या? चाप चाप चाप। अब ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत इजी हो गया है, बस ये ग्रो नाम का ऐप डाउनलोड कर लो, जितना मर्जी इन्वेस्ट करो विदाउट एनी कमीशन या कोई हिडन चार्ज, जब मर्जी इन्वेस्ट करो, जब मर्जी निकाल लो। अरे लाखों लोग यूज कर रहे हैं इसको, तू अपने पापा के फोन में डाल दे ये ऐप GROWW। मैं तो कहता हूँ आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, नो पेपर वर्क रिक्वायर्ड। अरे बहुत तेज बोले यार, तू बाहर के डिस्क पीस की पैर खोले बिकॉज इंटरेस्टिंग। तू तो कह रहा था इस साल इलेक्शन लड़ूंगा। हनीमून और इलेक्शन में उम्मीदवार का खड़ा होना बहुत जरूरी है, तुम नहीं समझोगी। वैसे भी धंधे में काफी धोखेबाजी हो रही है। मोहब्बत और धंधे में धोखेबाजी होती ही है मामा जी। वो फर्जी प्यार होता होगा तेरा वाला, असली मोहब्बत में धोखेबाजी नहीं होती। असली मोहब्बत में आंखें गीली होती है और फर्जी मोहब्बत में अंडरवेयर। ये लोग इतनी धीरे क्यों बात कर रहे हैं? होंठ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इसका तो और नहीं पढ़ा जा सकता, इसके तो दांत हैं। I'm going to go to the bathroom.
पूछ के इसको तंग कर रहे हैं। थोड़ा सा तेज बोलो यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे तेज बोल के क्या होगा भेरे लाल, मामा पर कौन से धोखेबाजी की बात कर रहे हो? बेटा इतने साल का मेरा वसूली का तजुर्बा है ना, लेकिन इस साल मेरे से चूक हो गई। क्या बोला? क्या हुआ? चीची कितनी गंदी भाषा यूज कर रहा है बच्चों के सामने। क्यों? कल मैं एक बंदे से अपने पैसे वसूलने के लिए उसके घर गया। उसने मुझे चैलेंज किया कि तू मुझे 3 पत्ती में हरा दे और अपने सारे पैसे ले जा। अब अपन लोग 5 रुपए की बूट डालने वाले लोग हैं और कभी कभी तो बिना डाले भी कहते थे डाल दी, पर वो कमीनों की बूट 500 से शुरू होती है। बूट बूट के चक्कर में मेरी गांड का संदूक हो गया खाली। मेरे पास कलर सीक्वेंस था, गुलाम बेगम बादशाह, मैंने कुछ पेपर गिरवी रख दी ये सोच के कि मेरे वसूली के पैसे तो वापस आ जाएंगे, पर उस हरामजादे की इक्के की ट्रेन निकली। एक बात तो मैंने सीख ली है, क्या? जीवन में लालच उतना ही यूजलेस है जितना केबीसी में जोड़ीदार वाली लाइफलाइन। दलदल में घुसाएगी, पहली बार में 3 पत्ती में हरा, लेकिन मुझे पता उसने चीटिंग करी है। मामा लेकिन पेपर कौन से गिरवी रखे? टीटू तूने हमारे घर के कागज की फोटो कॉपी करा ली थी, वही डाल दिए, वही डाल दिए, डाल दिए ना। No. ना दीदी वो चाय पिलाना जरा। बेटा मैं पता नहीं कौन से जोश में था, दीदी की कसम मैं जीत रहा था लेकिन उससे कोई चीटिंग करी है। भाई कोई बात नहीं, तू मेरे साथ रहेगा। जब अपने धोखा दे देते हैं ना तो दो जगह लेते हैं। सुन बे कोमलिका, फालतू की भड़का हुआ निकाल के उसी में सूप पिलवाऊंगा। क्या पिलवाऊंगा? सूप। लगता है काफी मजेदार बातें हो रही हैं। कैसे अपनी बर्बादी पे हंस रहे हैं? अरे घर में क्या सड़क पे आ रहे हैं? किसी मफलर का टॉवेल बना के अपनी टांगों के बीच में घिसना। टॉवेल को क्या कर रहे हैं? घिसना है और घिसना है। इसको अब सब सुनाई देने लग जाएगा। आ गई आवाज वापस तेरे बाप की शादी है क्या? फालतू का पैसा लोगों को चैन से जीने नहीं देते। मन करता है सबको इन्हीं के रॉकेट से बांधू। कैसे हंस रहे हैं बेटा तू बता दो इनको, मेरी तो हिम्मत नहीं है। मामा उनका घर बिका है, इतनी बड़ी खबर मैं कैसे बता दूं? किसका घर बिका? हमारा घर बिका है। क्या फायदा सुनाई तो देगा नहीं। घर बिका कैसे? आपको सुनाई दे रहा है? हाँ तो किसका घर बिका? आप सुन पा रहे हो? अरे हाँ किसका घर बिका? Can you really listen? हाँ किसका घर बिका? अरे तुम्हारा। अरे हाँ बहरी औरत कितनी बार बोलूँ किसका घर बिका? अच्छा बताओ ये कौन सा गाना है? भुवन के पापा एक ही चीज पूछ रहे हैं तब से, किसका घर बिका है? अरे किसी का नहीं, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। इस तरह का मजाक? मामा अरे मैं वही सोचूं यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम कर ही नहीं सकते ऐसा। मैं वही चेक कर रहा था, देखा दीदी घर बिकने के नाम पे काम कैसे ठीक हुआ है। बचपना गया नहीं तेरा अभी तक शरारती। I like the laughter of the lady. खराब पोज पे रोक दिए, जल्दी चालू करो। ओके बढ़िया चाय पीने का मन कर रहा है। If you have noticed बीबी की वाइंस के, अगर आप सारे वीडियोस आपने बहुत गौर से नोटिस किया है, उनके पीछे कोई बैकग्राउंड, कोई सीन्स, कोई कैमरा के विजुअल इफेक्ट्स नहीं होते। उनकी पूरी वीडियोस में एक ही चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा प्रेडोमिनेंट होकर निकल आती है, वो है उनकी स्क्रिप्ट। और ये स्क्रिप्ट की वजह से यू नो इंडिया के अगर आप यूट्यूबर्स की लिस्ट देखें तो बीबी इज़ समवन हु टॉप्स इट, एंड दैट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट इज़ द स्क्रिप्ट ही राइट्स एंड द वे ही डिलीवर्स इट इन अ वे, ऑल्दो इन अ सिंपलिस्टिक वे, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स हिम द मोस्ट यूनिक वन। ना कोई विजुअल इफेक्ट्स, ना कोई कैमरा के शॉट, कोई बेहतरीन से शॉट्स, एक सिंपल से एक जगह खड़े वो भी एक हाथ से, आई थिंक ही होल्ड्स द कैमरा एंड सिंपली डिलीवरिंग द डायलॉग्स, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स हिम यूनिक।
और विद दिस एक ही पर्सन इतने सारे डिफरेंट रोल्स, मदर, फादर, सन, दो फ्रेंड्स, देन टीटू मामा, इतने सारे रोल्स विद डिफरेंट, वो अलग अलग फेस बदल के खाली डिस्गाइज होके आ जाते हैं, ही प्लेज डिफरेंट रोल्स एंड एवरी टाइम ही प्ले अ रोल ही इज इन दैट रोल. पूरा एक फैमिली बना दिया अकेले एक बंदे ने. अली में मेरे को लगता है कि पत्ते ज़्यादा खेल, तीन पत्ती ज़्यादा खेली जाती है, क्योंकि जितने वीडियोस देखे हैं सब में ऐसे देखा ही है तीन पत्तियों का, ताश का ऐसा गेम खेलते हुए. तो वो चीज़ ले ली, पटाखा ले लिया, मतलब बाली पे जो, मतलब जो चीज़ें करंटली आसपास जो होती है ना वही चीज़ वीडियो में आती है और कुछ भी नहीं होता है. और आप देखेंगे एक मिडिल क्लास फैमिली में जो जो डायलॉग्स भी वो डालते हैं वो एक नॉर्मल सी फैमिलीज में ऐसे डायलॉग्स होते हैं. मुझे एक डायलॉग इसमें खास याद आ रहा है जिसमें वो फादर अपनी वाइफ को उसका भी, अरे बहरी हो क्या, बहरी हो क्या कितनी बार बोलो. इट्स लाइक खुद फॉल्ट में होने के बाद भी लोग अक्सर अपनी वाइफ पे चिल्ला देते हैं. तो वो वाला डायलॉग बड़ा मुझे कॉमन से लगा, यार ये तो हर जगह देखने को मिलता है. तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने बताया था जो लोग नहीं कमा सकते हैं वो पैसे खा जाते हैं, दिवाला वो होता है. तो लेकिन ये दिवाला दूसरा था, ये पत्तों का दिवाला था जो जुए में हार जाते हैं, ये दूसरा दिवाला था. दिवाला तो भाई किसी का ना निकले दिवाली पे, वो भी तीन पत्ती में, यार तीन पत्ती में हरा दिया. नहीं ऐसी गेम होती है जैसे उसने बताया कि कौन सा था, इक्का बादशाह रानी और उसके टिपे टिके, तो उसमें तो कोई लुटी जाएगा. Wonderful script and dialogue delivery and a video accompanied with a complete video of full of entertainment, joy. दूसरे videos जैसे देखे उसमें दिवाली के scenes थे, फटाके वगैरह थे. इसमें बीबी अपने ही unique style में फिर से दिवाली के ऊपर एक video लेके आए हैं. वीडियो अच्छा लगा हो तो like ज़रूर करें, हमारा reaction अच्छा लगा हो तो उसे भी like ज़रूर करें हमारे video को. और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, पैटर्न बनने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. और पुरानी वीडियो ये रही, चलते मिलते हैं अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.